नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आरपीएससी आरएसएसबी की भर्तियों के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो है एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि युवाओं के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान में जो है हर महीने निकलेंगी भर्तियाँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में हर महीने कितनी भर्तियाँ निकलने वाली हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो है घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2024 में जो है आपको 70,000 भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं। प्रदेश में जो है चरणबद्ध तरीके से भर्तियाँ निकलेंगी, जैसे थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ऐसे जो है आपको स्टेप बाई स्टेप जो है नई नई वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी 2024 में। लैब असिस्टेंट, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, पटवार, तो ये बहुत सारी भर्तियाँ जो है यहाँ पर लाइब्रेरियन आपको देखने को मिलने वाली हैं 2024 में। लगभग 70,000 भर्तियाँ निकलेंगी, जो कि आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा। हर महीने भर्तियाँ निकाली जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खुद जो है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है कि हर महीने आपको जो है भर्तियाँ निकाली जाएंगी, जो कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। युवा तैयारी करें, अब उन्हें जो है यहाँ पर निराश नहीं होना है और तैयारी लगातार करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो युवा तैयारी करें, अब उन्हें नहीं होना पड़ेगा निराश। और यहाँ पर जो है कर्मचारियों के रिटायर होते ही खाली पदों की भी जो है लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर लगभग 31 जुलाई को जो है कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, 31 जुलाई को जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनकी लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन से डिपार्टमेंट में जो है कितने पद खाली हो चुके हैं और भर्ती जो है कितने पदों पर निकालनी है। तो आप जुलाई के बाद के माहों में देखेंगे कि लगातार आपको नई भर्तियाँ जो है देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको बहुत सारी भर्तियाँ जो हैं देखने को मिलेंगी। इसलिए आप लगातार तैयारी करें और जो है आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा जिसमें आप जो है सेलेक्ट हो सकते हैं और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।